कि ओपन जिम बनाई गई, जिस पर आप लोग यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं आराम से सुबह शाम आके स्वस्थ रह सकते हैं। उस पार्क के अंदर ये बनाया गया है और पूरा देखिए सारी तरह की चीज़ें लगाई गई हैं। ओपन जिम है उत्तार घाट पर। और देखिए ये है भाई, ये एक्सरसाइज करने वाला, और ये छोटा सा बच्चा है ये भी एक्सरसाइज कर रहा है बहुत तेजी के साथ। वाह वेरी गुड भाई, ये और देखिए इस साइड भी आप आराम से अपने पैरों और कमर सब के पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। झूले के माध्यम से झूल भी सकते हैं और ये एक्सरसाइज भी हो जाएगा आपके। तो बहुत ही अच्छा किया गया है ये गुप्तार घाट पर। दोस्तों देखिए किस तरह से ये बनाया गया है, काफ़ी सुंदर बनाया गया है ये यहाँ पर, ये गुप्तार घाट, जो गुप्तार घाट की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और आप इस तरफ जाएंगे तो घाटों की तरफ चले जाएंगे और इस साइड में सरयू नदी बह रही है, इस तरफ आ जाएंगे घाटों की तरफ। और यहाँ पे एक पार्क बनाया गया, वो भी आप लोग को दिखाते हैं। और पूरा इस तरफ से दोनों तरफ से ये रास्ता है, आप लोग ऐसे जाएंगे सीधा उस साइड से भी घाट की तरफ जा सकते हैं और इस साइड से भी आप घाट की तरफ जा सकते हैं, दोनों तरफ से जा सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी सी पार्किंग बनाई गई है, वो सब दिखाएंगे आप लोगों को। ये है जो लैंप लगाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं और जब रात में जलते हैं ना मस्त लगते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। पूरा ये बनाया गया है गुप्तार घाट का। और देखिए ये लोगो लगाया गया है अयोध्या का, और थोड़े थोड़े दूर पर आपको पूरे ग्रिल में ये लोगो देखने को मिल जाएगा। और पूरा यहाँ देखिए साइड में काफ़ी अच्छे से बढ़िया रोड बनाई गई है। चलिए और आगे चलते दिखाते हैं। और ये बनाया गया है पार्क, और इसके अंदर भी चलते हैं, हम दिखाते हैं आप लोगों को अंदर का क्या है, कैसे है व्यू। ये है पार्क, काफ़ी लोग आए हैं इसके अंदर का। ये है पार्क, अंदर चलते हैं अभी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये है कुछ इस तरह से नज़ारा उत्तार घाट का, और बहुत ही अच्छा हो गया है। अब यहाँ काफ़ी लोग आते हैं शाम के टाइम परिवारजनों के साथ घूमते टहलते हैं। और देखिए यहाँ पर ये बच्चे लोग भी अपना सेहत का ध्यान रख रहे हैं और ओपन जिम में अपने पसीना बहा रहे हैं। और देखिए एक साइड में ये भी करने में लगी हैं, और ये और बहुत सारे लोग हैं। देखिए सब लोग अपना अपना ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं इस पार्क में। कुछ इस तरह से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है ये और बहुत अच्छा किया गया। और यहाँ पर आप लोग जिसका मतलब हर चीज़ मशीन है, पूरा पैर का एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेस्ट का और कंधे का हर चीज़ का। और देखिए ये इस साइड भी आप, या देखिए चिनअप कर रहे हैं भैया, ये भी बनाया गया है, टेंशन नहीं हो पा रहा है। और इस साइड देखिए ये लोग, चलो रेडी, ये देखिए ये 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 और ये आए भैया, ये सरकने वाला है। उसे ढेर सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं और पूरा सरकते हुए ये नीचे आ रहे हैं, ये इस तरह से चढ़ रहे हैं और इस तरफ से सरकते हुए नीचे आ जा रहे हैं। दोस्तों देखिए अंदर ये बच्चों के लिए झूला की व्यवस्था की गई है उत्तार घाट पर, और कई सारे झूले बनाए गए हैं। और देखिए ये बच्चे इधर बच्चों के लिए बनाए गए हैं ये छोटे छोटे झूले, स्प्रिंग लगी हुई है इसमें। और ये भैया मन का दी है पूरी तरह से, इनको झूल रहे हैं दोनों बच्चे मस्ती के साथ। और पूरा आपको इस तरह से हरियाली मिल जाएगी यहाँ पर, और ये पूरा बच्चों के लिए, आप मतलब शाम को आइए, दिन में चाहे जब भी आइए। और इसके अंदर का जो बड़ों का है 10 रुपये की एंट्री है, और बाकी बच्चों का निःशुल्क है। और कुछ इस तरह से पूरा ये बनाया गया है, साइड ओपन जिम है, यहाँ पर जिम भी कर सकते हैं, कुछ लोग अपना जिम का ट्राई भी कर रहे हैं यहाँ पर। और पूरा ये है पार्क, सुंदर सा बनाया गया है। और आगे चलते दिखाते हैं आप लोगों को इस पार्क की जो खूबसूरती है। और यहाँ मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ देखिए, और ये हमें लगता है
कोट भी लगाई गई है का भैया, इसमें बांस वाला, ये देखिए हरियाली है, बांस का जो कोट लगाया जाता है भी लगाया गया है इसमें। और कुछ इस तरह से है ये पार्क पूरा, ये पथ बनाया गया है, आप लोग देखिए लाल पथ लगाए गए हैं पत्थर इस पर, इस पर आप लोग आसान से पैदल चल सकते हैं। और ये पूरा है साइड कुछ इस तरह से पार्क के अंदर। और एक ये बड़ा सा वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है, काफ़ी बड़ा सा। आसमान दिखता सुंदर है, नीला नीला पूरा मस्त दिख रहा है, ये गजब है भाई साहब। और ये देखिए एक पेड़ है जो काफ़ी सुंदर है, इसी पार्क के अंदर है। और ये आंवले का पेड़ है, इसमें आंवला भी लगा हुआ है। और चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। यह है एकदम नई नई पार्क बनकर तैयार हुआ है नया नया, ये गुप्तार घाट का। और जो रात में लाइट लगती है भाई सब जलती है, बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ पर। तो हमारे चैनल पे एक गुप्तार घाट नाइट व्यू कर है, आप लोग उसको भी चेक करिए, बहुत सुंदर पूरा रात का यहाँ का आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और देखिए लाइट लगाई गई है ना, ये मस्त जलती है एकदम रात में। और ये पेड़ खूबसूरत बनाए जा रहे हैं। तो अयोध्या में बहुत सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, जो राम मंदिर का निर्माण के साथ साथ, ऐसा नहीं क्योंकि राम मंदिर ही बन रहा है, उसके साथ साथ उसके पीछे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कार्य चल रहा है ये है। और ये देखिए यहाँ पर ही बनाया गया बैठने के लिए, जैसे स्टेडियम में होता ना कुछ इस तरह से पूरा बनाया गया है। ये पूरा आप लोग देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, पूरा गोल गोल है स्टेडियम ऐसा है, आप लोग से भी बनाया गया पूरा एकदम स्टेडियम ऐसा ही बना है। और ये मस्त है, तो आज पहली बार हम आए इस पार्क के अंदर, और हमको इस पार्क के अंदर के आने के लिए 10 रुपये पे करना पड़ा है। और ये देखिए सब गार्डनिंग की गई है, और बगल में कंपनी गार्डन भी है लेकिन उसको नया डेवलप किया गया है। और इस साइड देखिए काफ़ी ज़्यादा हरियाली है मस्त एकदम। तो आप लोग जब भी अयोध्या आइए, अगर बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो गुप्तार घाट ज़रूर आइएगा, और गुप्तार घाट बहुत ही अच्छी जगह है, अच्छा होगा यहाँ पर आएंगे तो आप लोग, मस्त है। तो दोस्तों ये गुप्तार घाट का जो पार्क बनाया गया है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब लोग के लिए है, ऐसा नहीं है। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये जो नया नया चीज़ें बनाई जा रही हैं कैसा लग रहा है, और जगह जो नया डेवलपमेंट किया जा रहा है उस बारे में कमेंट बताइए। और आप लोग अयोध्या का और कोई भी जगह देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, उस पर भी मैं वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। जैसे पार्क से बाहर निकलते हैं वैसे देखने को मिल जाती है बड़ी सी पार्किंग, जहाँ पर ये देखिए बड़ी सी पार्किंग है, और यहाँ पर अपनी 4-व्हीलर 2-व्हीलर आप लोग आसानी से पार्क कर सकते हैं। और ये दिख रही है जो मंदिर है, ये घाट की तरफ बनी है, पुरानी मंदिर है और पुराने घाट हैं इस तरफ बने हैं। और कुछ इस तरह से ये पार्किंग है, काफ़ी बड़ी एरिया में फैली है, और साइड में आपको टॉयलेट और की व्यवस्था मिल जाएगी, टॉयलेट शौचालय। दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से पूरा ये गुप्तार घाट का नज़ारा है, और दोनों तरफ से रास्ता बनाया गया है, ये लैंप लगाए गए हैं बड़े से, और जो कि आपको एयरपोर्ट पे हर जगह देखने को मिल जाएंगे, राम पथ पर भी इसी टाइप के लैंप लगेंगे, जन्मभूमि पथ पर भी लग चुके हैं। और यहाँ पर जो ग्रिल लगाई गई है काफ़ी सुंदर से बनाया गया है इसको, और ये पूरा कुछ इस तरह से है गुप्तार घाट का नज़ारा कर देगा। तो कुछ जो पेड़ उड़ लगे हैं कुछ दिन पहले, बहुत पहले वीडियो बनाए थे तो काफ़ी छोटे छोटे थे, और इधर बारिश वारिश हुई है तो पेड़ काफ़ी हरे भरे और बड़े बड़े हो गए हैं। और आप लोग को इस तरह से देखिए पूरा एरिया में ये पेड़ और लाइट देखने को मिल जाएगी, और ऐसे पूरा वहाँ तक ये बनाया गया है। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ भी एक ऐसे चौराहा टाइप का बनाया गया है, आगे और वहाँ भी बनाया गया है, वहाँ भी एक स्टैचू टाइप का लगाया है, जो काफ़ी लोग वहाँ पर अपनी सेल्फी वेल्फी लेते हैं, बहुत बढ़िया से फ़ोटो वोटो क्लिक करते हैं भैया यहाँ पर। और कुछ इस तरह से है ये गुप्तार घाट, और काफ़ी अच्छा बन गया है। देखिए यहाँ पर ये पूरा डिटेल में दिया गया है क्या क्या है आपको यहाँ पर, ये गुप्तार घाट, इस साइड आएंगे गुप्तार घाट, और इस साइड पार्क, पंचमुखी हनुमान मंदिर भी इस साइड है, पंचमुखी महादेव मंदिर,
शौचालय टॉय क्लिनिक यहाँ से आपको पूरा देखने को मिल जाएगा एरो के माध्यम से। और ये सब पूरा इस तरह से बनाया गया है, पूरा बहुत बड़ी एरिया में बना दिया गया है, इसको नया डेवलप किया गया है। और देखिए यहाँ पर आपको आइसक्रीम का स्टॉल मिल जाएगा और फास्ट फूड कॉर्नर और हर तरह मतलब खाने पीने का चीज़ मिल जाएगा, बच्चों के लिए खिलौने भी दुकानें लगी हैं। और पूरा इस तरह से है ये गुप्तार घाट का व्यू। और आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है और काफ़ी वाइट वाइट है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए कितना अच्छे से पत्थर लगा के इसको बनाया गया है, ये जो है खूबसूरती को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लगता है ये। और इस साइड जाएंगे तो आप कैंट की तरफ चले जाएंगे और पूरा इसे काफ़ी दूर तक ये रास्ता बनाया गया है, उसको मैं नहीं कवर करेंगे, सबसे पहले वीडियो हमने डाल रखा है तो वीडियो के लिए बहुत लंबी हो जाएगी। और ये है कुछ इस तरह से नज़ारा। और इस साइड आप लोग देखेंगे ये जो मंदिर है ये भी दिख जाएगी आप लोगों की। तो दोस्तों ये था गुप्तार घाट का ब्लॉग, और आप लोग को कैसा लगा हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों देखिए जहाँ तक देखेंगे इसमें पूरा पानी ही पानी दिख रहा है और ये गुप्तार घाट है। गुप्तार घाट ये वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी और वैकुंठ धाम को चले गए थे। और पूरा कुछ इस तरह से पूरा ये गुप्तार घाट देखते करना ज़्यादा पानी है और इसमें पूरा नदी अपने उफान पर है, सरयू नदी, और इसी में चलने लगी है क्रूज़ जो आप लोगों को अयोध्या से गुप्तार घाट लेके आएगी। तो आप लोग उस क्रूज़ के माध्यम से भी आ सकते हैं। और ये गुप्तार घाट पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मंदिर बनाई गई हैं और ये है यहाँ का मस्त और सुंदर सा व्यू। और अभी आगे यहाँ खूब सारा पार्क वार्क भी बनाया गया, वो सब भी आप लोग को हम दिखाते हैं। कुछ देखिए इस तरह से है, ये सरयू नदी बह रही है और आगे बहुत लंबा घाट बनाया गया है, पूरा अयोध्या से जोड़ दिया गया इस घाट को, वो सब भी आपको दिखाते हैं जो गुप्तार घाट के आसपास है। चलिए वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। इस तरह से है नज़ारा दोस्तों गुप्तार घाट का। और गुप्तार घाट बहुत ही पावन और पवित्र जगह मानी जाती है अयोध्या की, तो आप लोग जब भी आइए तो गुप्तार घाट जरूर आइए।